वो गेम को फिनिश नहीं कर पा रहा। ओहो, ये लगा बल्ले के बीच और गया बहुत दूर। हर गेंदबाज को जब वो बल्लेबाजी करता है और एक्सटेंशन ऑफ आर्म की जो बात करते हैं, पूरी तरह से हाथ खोले, जो निचला हाथ है, बॉटम हैंड जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से खुला था शॉट लगते ही। इसका मतलब जितना पावर जनरेट कर सकते थे इस शॉट में वो किया भी, और बल्ले के बीचों बीच में ये शॉट। 6 रन 15 रन 4 गेंदे। हाँ, डॉट, ये अच्छा गेंद, थोड़ा सा वाइड, यॉर्कर, बढ़िया वापसी शार्दुल ठाकुर की। ये उम्मीद भी करते हैं जिस तरह से इनका दौरा रहा है शार्दुल ठाकुर का, पहली दो गेम अगर छोड़ दे तो उसके बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, मुश्किल समय में विकेट चटकाई है, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी आखिरी ओवर डाली थी, भारतीय टीम को वापसी दिलाई थी। आप उम्मीद करते कि शूरी से लगातार तो छक्के नहीं खाएंगे। क्या ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए इस T20I सीरीज में कि आपकी जो तेज गेंदबाज बुमराह के अलावा जो आप ढूंढ रहे थे वो शामी है, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, भूवी और दीपक चहर जो इंजर्ड है उनके। एक और छक्का, दोबारा लेंथ गेंद आर्क में, छक्का खाया, फिर यॉर्कर डाला जहां पे बीट किया, फिर दोबारा लेंथ पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पता है बल्लेबाज सूरी जो निचले क्रम के बल्लेबाज है सिर्फ एक ही तरफ बल्ला घुमाना जानते हैं, उन्हें ऑफ साइड खेल लगाने की कोशिश करिए, ऐसी लेंथ या लाइन ना दे जिससे वो लेग साइड में उस गेंद को खेल सके। क्या हमें आज फिर ये दो छक्के सुपर ओवर की तरफ लेके जाने वाले? नहीं 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 दोनों बहुत लंबे छक्के, 95 मीटर वाला पहला, दूसरा 80 मीटर, और तुरंत बुमराह जो कि इस तरफ थे भाग के गए और बात करते हुए शार्दुल के साथ। यॉर्कर मिड ऑफ ऊपर है, कवर ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, शॉट फाइन, लेग का फील्डर ऊपर है थर्ड में, लेकिन पीछे तो यहां पे वाइड यॉर्कर की तरफ जरूर जा सकते हैं। आखिरी दो गेंदे, डॉट बॉल, बिल्कुल वही वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश शार्दुल ठाकुर की, उसमें कामयाबी हुई, ये बेहतर।